तो जी अभी जो है ना हम हो रहे हैं यहाँ से रवाना, और गाड़ी जो है ना हमने स्टार्ट कर दी है, और अभी जो है ना इसकी मोड़ कटते हैं। और आप जैसा कि आप सबको बताया है कि अहमद की दूसरी बीवी को जो है ना हम लेने के लिए जा रहे हैं, तो दुआ करें कि वो हमारे साथ जो है ना आ जाए और यहाँ पे रहे। तो बच्चे जो है ना वो भी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। चलो इसकी जो है ना मोड़ कटते हैं, फिर जो है ना मैं अंदर बैठूंगी। चलना है आपने? हाँ चलना है। आप तो चलोगी ना साथ? आ जाओ, क्योंकि मेरा जाना जरूरी है। रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सब की दुआएं हैं। तो आज इंशाल्लाह ताला दूसरी बेगम साहिबा को जो है ना वो लेने के लिए जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला अब जो फैसला मैंने रात वाले वीडियो में किया था कि इंशाल्लाह अब दोनों जो है ना वो इसी घर में रहेंगे, तो अभी हम तैयारी शारी करेंगे उसको लेने के लिए। और उसके बाद एक अफसोसनाक सैड न्यूज़ भी आपको दे दूँ कि हमारे जो है ना हमसाए की हो गई है चोरी, उसकी जो है ना वो बाइक चोरी हुई है रात के टाइम ना। मतलब बैठक थी, बैठक को उन्होंने ईंटें वगैरह निकाली, सुराख निकाला, ठीक है, उसके बाद फिर बंदा अंदर दाखिल हुआ, उसके बाद मोटरसाइकिल जो है ना वो खींच के ले गए। तो अभी सुबह मेरे पास आए थे, मैंने कैमरे वगैरह चेक किए, तो इस मेरी साइड पे ना बंदे इधर से गुजरे ना इधर से आए, परली साइड से आए। उसके बाद फिर मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस मंगवाई, और अभी पुलिस के साथ सारा मौका वगैरह दिखवाया, FIR करवाई, उसके बाद जो है ना फिर मैंने कहा अभी हम अपना काम काज करते हैं, पुलिस जो है ना वो अपना काम करेगी। तो अभी जो है ना सुबह सुबह का टाइम है, और इंशाल्लाह ताला अभी हम रेडी होके जाएंगे, तो आप सब ने साथ रहना है। हमारी बिट्टो जो है ना वो सो रही है, लेकिन इसका पता नहीं चल रहा जो इसका मुंह किधर है। अच्छा ये है इस साइड पे। सुना है रात सुकून की नींद आई? रात सुकून की नींद आई? यार सर्दी लगी थी अंदर भी, मैं तो बाहर भाग गया था, मैं बाहर सोया था, इतनी हब्बस मुझे हो गई थी, इतनी दरवाजा जो बंद कर दिया था। अच्छा मुझे एक बार हुई है, फिर मैं वहाँ पे सोई हूँ, ऐसे 5 मिनट दरवाजा खोल दिया, फिर वो हब्बस निकल गई, फिर हसन जान ने उठा, फिर मैं यहाँ आके सोई, मुझे फिर नींद आ गई। सही है। चलो अभी जो है ना वो मोटर चेंज करवानी है, जो कि आपको ये बताऊं सबा के अबू वाले बैठे थे पिछले पोर्शन में ना, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी मोटर लगाई हुई थी, तो अभी वो आ गए हैं आगे वाले पोर्शन में, उन्होंने अपनी मोटर जो है ना उधर से उखाड़ ली, उसके बाद जो आगे वाला पोर्शन है उसमें मोटर लगी हुई है, अब वो वाली उखाड़ के पीछे करवानी है, और ये वाली मोटर वो अपने घर लगवाएंगे उसकी जो अपनी है। तो अभी वो आ रहे थे मकैनिक, रास्ते में मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, अभी फ़ोन किया मैं जो है ना उनको लेके आता हूँ, तब तक जो है ना आपने कोई काम शाम करना करें, फिर उसके बाद तैयारी शारी करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर जो है ना दूसरी बेगम साहिबा को लेकर आएंगे। ओके प्लम्बर जो है ना वो आ चुका है, और मोटर जो है ना वो थोड़ी सी थी शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब करंट लगाने वाली शॉर्ट ऐसा ना, तो ये अभी सेट करवाई है, अभी कहते हैं बिल्कुल ओके है, अब ले जाएँ, फिर तो इसको ले कर जाते हैं और ये भी फिटिंग करवाते हैं। प्लम्बर को जो है उधर मोटर दे के काम पे लगा दिए, मैंने कहा आप जो है ये सारी सेटिंग वगैरह करो अब तक, क्योंकि मेरे पास हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमने तो इंशाल्लाह ताला जाना है तैयारी करके। और ये थर्मास, हाँ चाय भी तो बनानी है ना? हाँ, चाय बनानी है, मिस्त्रियों को देना है, खुद भी नाश्ता वगैरह करना है। अब नाश्ते में वो रात वाला बचा हुआ है सालन, थोड़ा सा आपने खाया था बाकी रखा हुआ। अच्छा वो दही, तो आप दही आपने खा ली थी? अच्छा अच्छा, हसन जानी ने खाई थी? हसन जानी के लिए रखी थी, हसन जानी का बहाना था आपने, मैंने भी थोड़ा सा देखा था, थोड़ी खाई थी, थोड़ी हसन ने खाई थी, सारी हसन ने नहीं खाई थी। अच्छा अच्छा, मिलजुल के खाया दोनों माँ बेटों ने। चलो चाय बनाते हैं इंशाल्लाह, फिर मिस्त्रियों को देते हैं। ये अब क्या है? ये मिसाला जो उसके ऊपर लगाया था यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे नहीं, मुर्गी पे, वही मुर्गी पे लगाया था, मुर्गी से उतर गया ना? उतर गया। मुर्गी असल में होती है तिलकड़ी, उसको ना मैंने आपको कहा था जो हमने मिसाले लगाए ना, उसके बाद हमने वो मैदा लेना था, ठीक है, पूरे मैदे में हम उस मुर्गी को थोड़ा थोड़ा वो लगाते, फिर हम उसको डालते, फिर देखते, वो याद आया होगा आपको उधर सऊदीया में जो खाए थे वो क्या थे,
याद आलू की चिप्स भी थी और वो अलबैक मशहूर था ना अलबैक, इतनी मजे का था, ए है मुझे बहुत याद आता है वो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक फिर इंशाल्लाह बुलाएगा अपने दर पे फिर अलबैक खाना। यार वो इतनी टेस्ट होता था उसमें, बहुत मजे का था वो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जैसे हसन जानी रो रहा है, हसन जानी उठा होगा तो वो खुद बाहर आ जाएगा ऐसे। अंत की आवाज आई है रोने की ना। देखी मेरा मेरी जो है ना हसन जानी के पास मेरा वो था, मेरे कान आए हंसता हुआ आ रहा है माशाल्लाह। मुझे ना एक इसकी आहा आई है, मैंने कहा ये ना उठा हुआ है, सोने उठ गए उठी आए वे। अच्छा भूख लगी है वो है सद के जो कहता है, इधर पेट में ना भूख लगी है। चलो चाय पियोगे, रोटी खानी है लस्सी के नहीं खानी। अच्छा चाय पापा खाओगे आप ना, थोड़ी सी दही ले आओ ठीक है, ये लस्सी के साथ कुछ रोटी खाता है। अच्छा। 50 की या 100 की ले आओ। तो मैं ना थोड़ी सी लस्सी बना लेती हूँ, ये चलो कुछ तो खाना खा लेगा ना। मैं दूसरा दिन ना दूध का बहाना बना के दूध को लस्सी बना के इसको देती हूँ, कहती हूँ ये लस्सी है पियो, फिर भी कुछ रोटी खा लेता है। लेकिन अभी सारा दूध वो मैंने चाय के लिए डाला हुआ है और वो ना, अगर मैं दही ले आऊँ लस्सी मैं भी पीऊंगा ना। फिर ले आओ, 100 रुपए की दही काफी है। सही है, दही खाओगे फिर हचनू भी खाएगा और हाँ, आप भी पियेंगे। अरे कहते हैं हाँ दही खाओगे, दही तो मेरा हचनू खाता है ना। हाँ जी ये वो सबा दही नहीं मिली यार, दही शार्ट है, जहाँ पर जाता हूँ नहीं मिलती, इसलिए फिर आगे मैं गया ही नहीं, रोल रोल के आ जाता हूँ। कहते हैं दूध मुश्किल से मिलता है, हम दही कैसे जमाएं। ये क्या किया इधर देखना हसन, इधर रोटी। अच्छा रोटी पकाई है बेबो जो है ना सुबह, बेबो हो गया, नूरुद्दीन हो गया, इब्राहिम हो गया, ये सारे गए हुए थे उधर रोड के ऊपर ना, तो फिर मैं उधर गया अचानक, देखा तो रोड पर इनकी जो है ना थोड़ी सरजनिश की सारे बच्चों की। तो अभी जनाब जी जो है ना वो ज़रा ये चेक करें मैं इसका मूड। फिर जाओगे उधर रोड के ऊपर या किसी के घर या बस्ती में या घर में रहोगे बताओ, जाओगे फिर दोबारा? आपको मैं ना देखूं कहीं पर रोड पर या किसी के उधर किसी के ऐसे घरों में जाने की, ठीक है? यहाँ अपने घर में रहना है आपने। दो चाय पापा दो खाएगा। रस केक खाना है तो रस केक भी है, चाय पापे भी हैं, जो चीज खानी है खा लो। चाय रेडी हो गई जी, अभी डालते हैं थर्मास में। जबरदस्त दोनों थर्मास फुल। दुआ करो हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज जो काम करने वाले बंदे हैं ना वो तकरीबन 8 हैं, जो आज मिस्त्री लगे। कंप्लीट हो जाएगा या नहीं? नहीं कंप्लीट तो अभी देर है, बस दो तीन दिन हैं और। हाँ जी शायद आज काफी हद तक खत्म हो जाए, मेरे अंदाजे में ना शायद आज काफी हद तक। कल की जो मिस्त्री है ना ये मकान बनाने वाले, उनका शायद आज का दिन हो या कल का दिन हो। लेकिन इधर ये छतें भी बनवानी है ना, इधर भी आएंगे अभी। एक दिन इधर लगेगा या 2 दिन लगेगा? 2 दिन है ना, एक दिन उस घर पे लगाएगा, एक अगले पे लगाएगा। ट्रेन जा रही है, अभी पहुंच चुके हैं जी चाय लेके, और इधर जो है ना कुछ इधर से मिट्टी उठा के जो है ना वो जो बरामदा न्यू बना है उसके ऊपर डाल रहे हैं। ये जो है ना लिपाई के लिए गारा बना हुआ है, और इधर जो है सामने खोता जा रहा है, खोते का पुत्र जा रहा है, खोते दी नस्ल जा रही है, और अभी हम इधर चलते हैं आ जाएंगे। माशाल्लाह ये चेक करेंगे जो अभी न्यू फर्श जो है ना ये डालेंगे और यहाँ पर सारा सीमेंट वगैरह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राशिद महमूद साहब, चाय के 2 थर्मास आ गए हैं, मिस्त्रियों के हवाले कर दें। और ये देखें जी अभी जो वो नज़र आ रहे थे ना वो बंद हो गई सारी, ये ऊपर मिट्टी डाल दी है और शापर वगैरह जो है ना वो भी डाल दिया है। उसके बाद जो है ना अभी क्या करेंगे ये लोग, अभी इसको लिपाई करेंगे। बाकी जो है काम माशाल्लाह काफ़ी देखें हो चुका है, कुछ पेंट का भी हो चुका है,
और उसके अलावा जो सीमेंट वगैरह का है वो काफ़ी हो चुका है। अभी कुछ सीमेंट का काम जो है ना वो रहता है। अभी चलते हैं छत के ऊपर और वहाँ पे जाके ना देखते हैं कि क्या सिस्टम है। ओए ये मिट्टी है ये सामने जो डाली हुई है, और जो मैंने कहा दोनों छतें, ये जो पहले बनी हुई हैं ये छतें भी और ये छतें भी, दोनों जो है ये कंप्लीट करनी है। सब जो है ना वो घर वाले रेडी हो रहे हैं, लेकिन मैं जो है ना अभी तक रेडी नहीं हुआ। मुझे रेडी होना है अभी, और सबा को कहा है आप भी रेडी हो जाएं। और हसन जानी को जो है ना वो नहला के आई है, और उसके बाद अभी मैंने भी नहाना है, मैंने भी ड्रेस वगैरह चेंज करना है। तीसरा चौथा दिन है। आपने भी नहीं अभी तैयारी की? क्या कर रही थी जब मैं उधर गया काम शाम? कुछ नहीं, सो ही रही हूं। सो ही रही हो? वाड़ी पगली वे हसन, ये बिड्डू धाती पे, सोना सोना धायो। अब कौन से कपड़े पहनोगे? ये वाले सोने सोने नमी नमी कपड़े। खुश होता है शहजादा सोने कपड़े। और कप वे और न्यू कपड़े ले आए? वाह भाई वाह, क्या ओ और भी आ गया यार। आज कहाँ जा रहे हो सारे? नहार के तो आए हो ना, अभी तैयारी करके कहाँ जाओगे? सिटी पार्क। अभी नहीं जाएंगे? हाँ। अभी हम जाएंगे, आपकी मम्मा को लेके आएंगे। हाँ। उसके बाद फिर इधर घर आ जाएंगे। हाँ। फिर कभी प्लान बनाएंगे। हाँ। ठीक है, फिर जब प्लान बनाएंगे कभी इंशाल्लाह घूमने फिरने का, फिर इंशाल्लाह चले जाएंगे। ठीक हो गया? हाँ, तेरी वीडियो बनाऊं ना बनाऊं? अच्छा, तो क्यों बुलाया फिर आपने बिड्डू? ओ बिड्डू, अच्छा जी। और सुनाओ बेबो, ठीक हो? अच्छा, कौन से कपड़े पहनोगे? हसन तो ये पहन रहा है ना। मैंने भी ये पहना। इसका सूट है इस तरह का? नहीं, इसके कलर चेंज होगा, डिजाइन तो एक ही होगा ना? इस तरह के उसके हैं ही नहीं। अच्छा अच्छा, वो एक सेम सूट नहीं होते ना, आपका और होता है, उसका और होता है, उसका और होता है, आपका और होता है, इस तरह। अब तेरी मम्मा के और होते हैं, मेरे और होते हैं। यहाँ पे जो है ना काफी कपड़े पड़े हुए हैं जो अभी इस्त्री, ये सारे इस्त्री होने वाले हैं, धुले हुए हैं ना? आज मेरे ख्याल में इस्त्री करेगी, परसों धोए थे ना ये कपड़े, कल फिर नहीं किए, तीसरा दिन है ना, आज फिर शायद करेगी। तो मेरा फिर सूट पड़ा है, ये भी पड़े, उधर भी खड़े हैं जो अच्छा लगे, उधर यानी कि जो सूट खड़ा है वही सही जो होगा ना वही पहन लेता हूँ ना। बाकी तो जब इस्त्री शिस्त्री होंगे वो तो फिर अब दो तीन दिन पहन के बाद में ही चेंज करूँगा ना, ये नहीं तो आज ही सारे प्रेस हूँ तो आज ही मैंने पहनने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से सब रेडी हो चुके हैं, मैं खुद भी रेडी हो चुका हूँ, और उसके बाद अभी सबा ने जो है ना वो सबा ने कोई ड्रेस वगैरह नहीं चेंज किया, सूट शूट तैयारी श्यारी कुछ भी नहीं किया, सिंपल। अच्छा सही, चलें। कौन सा हमने जो है ना उधर, बस वो दुआ सलाम करनी है और उसको लेकर जो है ना इधर है ना, हमने यही उसको बात की कि आप जो है ना ये है कि आप उसको इधर ले आते इंशाल्लाह ताला, और फिर मैं उसको यहाँ पर जब आ जाएगी फिर हम कहेंगे कि यार आप जो है ना ये सारा कुछ छोड़ दो, जो भी छोड़ दो, कोई कुछ भी कर रही हो सारा कुछ छोड़ छाड़ के ना बिल्कुल आप जो है ना इधर अभी हमारे घर में रहो इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है मान जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरी बात को मानेगी समझेगी, और फिर इस घर में हम सब इकट्ठे रहेंगे और अपने व्लॉग वगैरह भी बनाते रहेंगे। और दूसरा उसको ये भी कहूँगा कि यार बेशक आप व्लॉग भी नहीं बनाना चाहती, इस घर में रहो बस कोई इशू नहीं है, लेकिन वो व्लॉग से लेकिन उसको कोई मसला नहीं है कि व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, वो तो आप सबको पता है जब लेकर आए हैं वो बिल्कुल खुश थी, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अभी जूती जो है ना वो पहन रही है और मैं रेडी हो चुका हूँ, बच्चे गाड़ी के पास चले गए हैं, अभी हम चलते हैं। चलो इधर घर में जो है ना वो किसी को बिठाते हैं ना तो वो इधर बैठे रहेंगे, अभी बाजी काम वाली आएगी ना वो काम करेगी। बाकी कोई चीज़ें जो मोबाइल सुबाइल ये सारी चीज़ें रख दी हैं, ये देखो ये मोबाइल इधर पड़ा हुआ है ऐसे, इनको जो है ना वो इधर उधर साइड पे रखें। उसके बाद और कोई सामान शमान कोई चीज़, हर चीज़ पूरी है। चलें अभी चलते हैं, जो है ना मेहमान आ चुके हैं हमारे,
तो उन्होंने मुबारकबाद दी माशाल्लाह से दूसरी शादी की, और उसके बाद मिठाई वगैरह ये सारी चीज़ें हम अभी रखते हैं क्योंकि मेहमान आते रहते हैं, मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह आते रहते हैं कि दूसरी शादी है तो मुबारकबाद देने के लिए, तो फिर मिठाई बोतल ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। क्योंकि आपको पता है पहले तो देहात में हुई थी ना, तो किसी को पता नहीं था, अब तो आपको पता है फिर सब जानते हैं, तो सब आए हैं माशाल्लाह से मुबारकबाद देने के लिए, आते रहते हैं। हाँ जी, तो अभी भी जो है ना आए हुए हैं, तो अभी हम जा नहीं, पहले मतलब हुई थी, अब मतलब ये है कि आप फेमस नहीं थे ना, मतलब नहीं जानते, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह से लाखों करोड़ों लोग जानते हैं ना, तो फिर जो आस पास के होते हैं देखने वाले वो सब आ जाते हैं ना मुबारक देने। चलें जी, ये मिठाई जो है ना ये हमने डाल ली है इधर, और ये अब एक चीज़ जो है ना वो आप उठा, या दोनों चीज़ें उठा लो, या मिठाई मुझे दे दो अब बोतल, क्योंकि मेरा एक हाथ है ना, एक हाथ आपका है। ये जी आपकी हिस्से की मिठाई जी, बहुत शुक्रिया भाई जी, माशाल्लाह जी मिठाई आ गई है जी, हाँ आ गई है स्प्राइट और साथ में मिठाई भी आ गई। ओए गोली, माशाल्लाह जी, अहमद भाई आपको और बहुत मुबारक, खैर मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, वो अभी अकरम भाई ने अपनी वीडियो में मुबारक दी ना, मेरी वीडियो में मुबारक नहीं दी ना, तो वही मुबारक दे रहे हैं, तो खैर मुबारक जी, अल्लाह पाक जो है ना मजीद खुशियाँ दे आपको, अल्लाह तआला दिन दुगने रात चुगने तरक्की दे कर खुशी हुई है। हाँ जी माशाल्लाह जी, भाभी भी बहुत खुश है, आप भी बहुत खुश है जी, आपकी दिल की मुरादें पूरी हो गई है, आपके आज भी ख्वाब था कि मेरी दूसरी शादी हो, दो बेटे हो। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह तआला का सुन लिया बिल्कुल। जब मैंने शादी नहीं की थी ना इसके साथ, तब मेरी दो की ख्वाहिश थी। अब मतलब ये नहीं कि लोग कहते हैं अब अमीर हो गए हो, सारी चीजें आ गई हैं, तो अब आप दूसरी कर रहे हो, लेकिन मेरा तो शुरू से मैंने कहा दो से ही करूंगा। दो का फायदा होता है, एक जो है ना वो सर दबाती है, एक टांगे दबा देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बेगम गला दबाती है, दूसरी उसकी टांगे पकड़ती है। ये भी सीन देखे है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेग में ऐसी नहीं है, माशाल्लाह से दोनों हाँ जी प्यार मोहब्बत करती हैं। तो बाकी जो है ना, मैं तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, इनके चैनल का नाम इनसे पूछते हैं तो ये बताएंगे आप सबको, तो आपने ज़रूर इनकी सपोर्ट करनी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा अरसे से जो है ना वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप सब लोगों ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया, तो इनको भरपूर सपोर्ट करें, तो अपने चैनल का नाम बता दें जी। भाई जी, मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारा चैनल है मनाही लकड़ा बिलोग। हाँ जी, तो अक्सर हमारे बिलोग आते रहते हैं, अहमद भाई की वीडियो भी हम लगाते हैं। हाँ जी, बनाते हैं सही है। तो एक तो मेरा काम का बहुत ज्यादा मसला है कि मेरे पास कोई काम रोजगार नहीं है चैनल के, भाई जो है ना वो उसको मसला बना, गिरे थे, मोरिंग का मसला बन गया था, कमर का मसला है, बैठ भी नहीं सकते, काम भी नहीं कर सकते, तो इनकी सपोर्ट हक बनता है, आप सब जो है ना इनको सपोर्ट करें। तो मिनाहिल अकरम व्लॉग उस पर किसकी डीपी लगाई हुई है आपने? मेरी अपनी तस्वीर लगी है। आपकी अपनी लगी हुई है, सही हो गया, चलें। मिनाहिल तो ये है ना, हाँ ये मिनाहिल बैठी है जी आपके सामने। हाँ जी, सबको बोल दो कि आप मेरा चैनल देखा करो। हाँ बोल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भैया, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। आप जो हमारे चैनल को ज्यादा सपोर्ट करें। हाँ, चैनल का क्या नाम है? चैनल का नाम है मिनाही लकड़ा व्लॉग। ठीक हो गया, चलें जी, इंशाल्लाह ताला आप भी मिठाई का बोतलों का बंदोबस्त करें, लोग आ रहे हैं सारे। हाँ इंशाल्लाह जरूर आएंगे, और जिसने भी जाना है उन्होंने मेंशन करना है कि अहमद भाई सबा भाभी की वजह से आए हैं, आपकी भाभी मेरी नहीं। तो इनको पता चलेगा कि वाकई आए हैं। हाँ चले जी, मिठाई खाएं, बहुत शुक्रिया अहमद भाई, हमें जजाकल्ला, खुशी हुई है, जजाकल्ला जी, वेलकम, माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा अहमद भाई ने जी हमें वेलकम किया है, माशाल्लाह मिठाई भी है, साथ में बोतल भी है। हाँ जी, खुश भी हुए हैं, खुश भी हो, क्योंकि खुशी है ना यार, खुशियों में तो बंदा शरीक होता है, ज्यादा खुशी मिलती है। मैंने ना एक सिस्टर ने मुझे कॉल की थी, हम ना फला जगह पे गए, बड़ा यूट्यूबर था, उसके घर गए,
उन्होंने हमें बुलाना था, उन्होंने पानी तक नहीं पूछा, बाहर नहीं निकले, गालियां निकाली, ऐसे किया। काफी यार जो बड़े हैं मैंने इस तरह से देखा है, दरवाजा खटखटाते हैं ना, पहले तो मिलते नहीं है, गार्ड खड़े होते हैं, दूसरा अगर आते हैं तो दरवाजे के बाहर ऐसे मिलते हैं, सलाम करके फौरन बस छुट्टी, मतलब अंदर इजाजत नहीं होती उनका। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अहमद भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल के लिए, और मुझे चैनल वगैरह इन्होंने बना के दिया, असल भाई ने इन्होंने, हाँ जी, तो बहुत अच्छे हैं जी, आप सब बहन भाई ने, अहमद भाई ने मजीद इनको तरक्की दी है। आमीन आमीन। हाँ जी, आपको भी जैसे हमें आपने सपोर्ट किया ऐसे इनको भी सपोर्ट करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बस ऐसे ही मिठाई अगर मजीद खानी हो दुआएं कीजिएगा। हाँ जी, सबा ठीक कहा मैंने? मैंने सुना नहीं, मैंने कहा मजीद मिठाई शिठाई खानी है, दुआ करना। और हो जाए, ये गलत फहमी है आपकी। अच्छा, और नहीं, अब दो दो ही काफी है आपको। ठीक है, अगर मतलब और का सोचा तो वही काम, अच्छा और का सोचा तो वही काम होगा। अगर इनसे बच गए तो फिर तीसरी कर लेना, अगर बच गए तो। अच्छा मतलब ये है कि अगर तीसरी का मैंने सोचा, आप गला दबाओगी या टांगे पकड़ोगी? मैं कुछ भी नहीं करूंगी। नहीं, दो मिल के ऐसे करो, दोनों से बचोगे तो करोगे ना, जब बचोगे नहीं तो तीसरे क्या करोगे? अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। हाँ। अभी हमने यकीन करें नाश्ता जो है ना वो भी नहीं किया, मैंने सबा को कहा कि नाश्ता, पता है क्या है वो, हम अभी जाएंगे ना फिर इकट्ठे वापस आ जाएंगे, फिर नाश्ता वगैरह इधर तैयार कर लेंगे, बना लेंगे, खा लेंगे इकट्ठे, फिर सारे इकट्ठे नाश्ता कर लेंगे ना, सही है? हाँ। मेरी शूज कहाँ है? वो साफ है, मैं अभी पैरों नंगा हूँ। वो पहन के आओ, वो उधर आना है ना। चलें जी। अच्छा हाँ, ये जूती पहन के उधर तक जाऊँ और फिर उधर वाली जूती जो है ना वो पहन के मैं आगे जाऊँ, ये कह रहे ये सब तो। और यार एक सामान, हाँ बल्कि है ठीक है, ये रखे हैं जी शूज, ये उठा लेते हैं। माशाल्लाह आप सिंपल भी बहुत प्यारी लगती हो जनाब, आपको शुरू से बोला आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, कोई चीज़ लगाने की, तैयारी करने की, इस तरह कोई प्रॉब्लम वाली बात। उई बाइक बाहर खड़ी है, धूप। अच्छा, अरे बहुत तेज़ धूप है। सही है, अब ये अंदर बाइक जो है ना वो अंदर ही खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है आजकल चोरियाँ ना बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब हम साय की जो है ना वो बाइक, वो सुबह आई थी। हाँ जी, सो सारा पुलिस भी बुलवाया थी मैंने, सारे मौके चेक करवाए हैं, आपकी तफसील FIR वगैरह सारी करवा दी है इंशाल्लाह ताला। ये बाइक है ना ये अब इधर ही साफ जहर कहीं पकड़ी जाएगी ना, बाइक कहाँ जा सकती है आपको पता है, मोबाइल अभी जेब में है किसी की, कोई चीज है वो तो नहीं वो होता ना, बाइक तो पकड़ी जाती है। उधर साइड पे खड़ा, उधर धूप आ जाएगी, शेड के नीचे खड़ा हो। यार हमने उधर उसके पास थोड़ी रहना है, खाना भी हमने इधर आके खाना है, उसको कहा है कि बस आप जो है ना वो रेडी हो के, बस रेडी हो जाओ, बस हम आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो उम्मीद है कि रात उसको यही बोला था मैंने, कहा हम 9-10 बजे तक आपको लेने आ जाएंगे, तो अभी मैंने दोबारा नहीं पूछा, पता नहीं तैयार हुई है या नहीं, अगर नहीं होगी तो 10-15 मिनट लगेंगे, उसके घर बैठेंगे, उसकी अम्मी से सिस्टर से सब से बातचीत करें, बैठेंगे उसके बाद फिर आ जाएंगे वापस, उसको अम्मी को भी बोलूँगा ना कि यार इसको समझाओ हमारे साथ उधर रह जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, ज़रूरी आपने जॉब करनी है, जब जॉब की ज़रूरत ही नहीं है यार हमें किसी की, और जॉब की या कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, एक बंदे को ज़रूरत होती है ना पैसे की किसी चीज़ की, फिर तो चलो मसला होता है। सही, चले गाड़ी स्टार्ट करें, वो गर्मी में बैठ गए। हाँ, वो बैठे हुए हैं अंदर। हाँ। शीशे नहीं डाउन किए, उनके शीशे डाउन कर दो, अभी चलते हैं, और भाभी को बोलता हूँ कि वो जो है ना थोड़ी देर इधर बैठ जाएगी, तो फिर जब बाजी आएगी काम वाली हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी आ जाएंगे। तो जो है ना वो बोल दिया है भाभी ने, कहा चलें ठीक है आप जाएं, मैं आपके घर का ख्याल रखती हूँ, क्योंकि घर को ऐसे जो है ना वो नहीं छोड़ सकते, चाहे ताला भी लगा के जाए ना फिर भी हम कहते हैं कि नहीं यार, जब बंदा घर में बैठा हो ना उसकी और बात होती है। हाँ जी, ओके। हाँ ओके। कोई काम शाम कोई चीज़ भूली चूकी, बल्कि क्या भूली चूकी, हमने क्या चीज़ें लेके जानी, गाड़ी स्टार्ट करो, गर्मी है, आज गर्मी भी है, चलें। हाँ बेबू, ओके हो हसन, ओके हो पापा, चलें। हाँ पापा, मैं खा रहा था, मैं अंगली भी चली।
ये कैसे खोल, आप तो इधर से खोलते ना। वो लॉक थी। अच्छा वो खोल नहीं थी। अच्छा फिर आप ये चाबी लगा के लॉक खोली है आपने। अच्छा कारीगर बन गए हो। हाँ हाँ अच्छा चलाता हूँ सब सब्र करो चलाता हूँ जानी। तो जी अभी जो है ना हम हो रहे हैं यहाँ से रवाना और गाड़ी जो है ना हमने स्टार्ट कर दी है और अभी जो है ना इसकी मोड़ कटते हैं। और आप जैसा कि आप सबको बताया कि अहमद की दूसरी बीवी को जो है ना हम लेने के लिए जा रहे हैं तो दुआ करें कि वो हमारे साथ जो है ना आ जाए और यहाँ पे रहे। तो बच्चे जो है ना वो भी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। चलो इसकी जो है ना मोड़ कटते हैं फिर जो है ना मैं अंदर बैठूंगी। चलना है आपने? हाँ चलना है। आप तो चलोगी ना साथ, आ जाओ क्योंकि मेरा जाना जरूरी है। मैडम जी आ गई है जी माशाल्लाह। आज हमारे यहाँ इतना गर्मी है। नहीं खास नहीं है यार इतनी खास। आपने नहाया है ना, आपको नहीं लग रही? अच्छा मैंने नहाया है। अच्छा ना नहाता फिर लगती? फिर लगती। अच्छा लगती। चले शुक्र है मैंने नहा लिया। आपको तो बोला है नहा के ड्रेस भी चेंज कर लो लेकिन आपने कहा नहीं मैं ऐसे ठीक हूँ। अच्छा जी मैं नहीं नहाती। अच्छा जी असल में मैंने ना नाश्ता नहीं किया होता, अगर नहा लेती फिर ज्यादा भूख लग जाती जिसकी वजह से मैंने नहाया नहीं है। आपको पता है जब बंदा फ्रेश हो जाए तो फिर भूख जो है ना वो छिट्टी हो जाती है। कहते हैं कि बस जल्दी से खाना लो खाओ फिर इसी वजह से ना। सही चले अल्लाह पाक बेहतर करे इंशाल्लाह ताला। तो प्यारे बहन भाइयों अभी हम रवाना हो चुके हैं इंशाल्लाह ताला बस 10-15 मिनट तक हम पहुंच जाएंगे उसके घर पर। और अगर वो रेडी हुई तो ठीक है, नहीं हुई वो कहेगी तो फिर बैठ जाएंगे अपनी मतलब सासू माँ के पास बैठ जाऊंगा, गपशप करेंगे उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम उधर से रवाना होंगे। सारा इंशाल्लाह व्लॉग में दिखाएंगे आपको। साहब सब ने साथ रहना है किवें जी? बिल्कुल। ये सीटियां क्यों मार रही है? ये एक बटन ऑन है इसलिए लाल वाला, इसको भी बंद कर दिया। एसी बंद कर दिया पहले। वो पहले आपने कहा एक बटन। अच्छा शीशा बंद है, मेरा खुला हुआ है, क्या ठंडा का है। अच्छा मैंने देखा शायद बंद है। या बंद हुआ है अब कुल में शीशा खुलिया प्या बेबो ऐसा के हवा क्यों नहीं आंदी ऐसी दी बेबो कैन सी दस ऐसा को बेबो आपने बताना था ना। बेबो ने कहा सुबह मैंने नहीं जाना, मैंने इसको कहा हम सिटी पार्क भी जाएंगे इसीलिए ये जा रहे हैं। नहीं सिटी पार्क नहीं जाएंगे वो तो आप बस ये है अगर इधर खेलता रहता मसला तो नहीं था, हम तो अभी आ जाएंगे ना आधे घंटे तक फिर कभी देख। पता है क्या है अगर मतलब के इंशाल्लाह ताला वो मान जाती है ठीक है, अगर मेरी दूसरी बेगम साहबा मान जाती है यहाँ पे रहती है फिर उसका जहेज का सामान भी मतलब वो कोई ट्रक वगैरह करवाना पड़ेगा फिर वो सारा सामान जो है ना उसका जहेज वाला वो भी इस घर में लाएंगे, उसके बाद फिर उसका बेडरूम वगैरह तैयार करेंगे। जब बेडरूम वगैरह तैयार हो जाएगा सामान वगैरह आ जाएगा उसके बाद फिर हम प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह टूर बनाएंगे ठीक है। फिर पार्कें क्या हो गई कोई भी इंशाल्लाह ताला फिर मतलब ये है अगर वो मान जाती है कल हम सामान उठा के लाएंगे ठीक हो गया। और उसके बाद फिर उसने वो रिज़ाइन भी तो देना है ना नौकरी से, इस्तीफ़ा देना है उसे कहते हैं इस्तीफ़ा दे दिया जी नौकरी से। तो उसके बाद फिर जो है ना हम क्या कहते हैं जब ये फ्री हो जाएंगे बेडरूम सारा कुछ तैयार हो जाएगा फिर हम इंशाल्लाह फिर डेली घूमा करेंगे फिरा करेंगे सारे इकट्ठे। लेकिन फिर भी हम नहीं जा सकते उसकी वजह नहीं बेबो को स्कूल छोड़ ये लंबा प्लान तो नहीं बन सकता यानी कि कहीं हम हफ्ता रह जाएं वो तो बेबो की वजह से नहीं बन सकता। लेकिन ये है कि जैसे अब आज जैसे छुट्टी थी इसको जुमा था ना कल की छुट्टी हम ले लेते हैं ये हो गई दो छुट्टियां आगे एतवार की छुट्टी आ गई तीन छुट्टियां हम एतवार की सोमवार की रात को किसी टाइम आके फिर ये सुबह स्कूल इस तरह प्लान बना सकते हैं कभी कभी मतलब दो दिन के लिए। लेकिन अभी हम चले नज़दीक जैसे हमारा ये शहर हो गया रहीमयार खान हो गया इधर बहावलपुर हो गया मुल्तान हो गया इसके अलावा जो नज़दीक नज़दीक के शहर हैं ये तो हम दिन दिन में घूम सकते हैं ना बंदा सुबह को जाए शाम। सुनो लेकिन अभी हम बेबो जाने को छुट्टियां नहीं करवा सकते क्योंकि
इसके ऊपर इसके पेपर आ रहे हैं, अगर ये पेपर ना दे सका तो फिर इसको इसी क्लास में बैठना पड़ेगा। इसको अभी जो है ना बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। वैसे भी अगर ये पास भी हो गया, फेल भी हो गया, कुछ भी हुआ, इसको फिर वही क्लास में ही बिठाना है। मैं खुद कहूंगा उसी क्लास में बिठाओ। उसकी वजह ये है कि अभी देखो उसको महीना मेरे ख्याल हुआ है या नहीं हुआ अभी तक, महीना नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, तो अब महीना भी नहीं हुआ, एक साल पढ़ाई होती है आपको पता है। वो क्या उसको मतलब मैं कहता हूँ दोबारा से इसको टोटल वीआईपी, ये शुरू से वीआईपी पढ़ना स्टार्ट करे तो आगे तक माशाल्लाह से अलिफ बे पूरी आ जाती है, और पहला कलमा भी कल इसने मुझे सुनाया है, और जो है ना एबीसी भी पूरी आ जाती है। इंग्लिश की किताब मैंने परसों वाले दिन इससे सुनी है, माशाल्लाह से काफी जो है ना इसने सुनाई है, माशाल्लाह वो नहीं सुना है, इंग्लिश में फास्ट है ये, माशाल्लाह। बेबा कलमा भी आती है आपको, पहला कलमा सुनाओ। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, यही बात होती है कि बच्चों को आप एक अच्छी जगह पे एडमिशन करवाएंगे तो आप ये चीज देखें कि एक महीना नहीं हुआ, दिया इसको 18 दिन 20 दिन जो है ना वो हुए हैं। हाँ जी चलो कलमा सुनाओ, सुनाओ सुनाओ, चलो आप सुनाओ, आपने बोला है ना अल्लाह। माशाल्लाह बेबो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरा बेटा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। अभी इसको मैं इंशाल्लाह बेबो जानी शौक से पढ़ेगा ना, मैं इसको हर चीज लेके दूंगा। मैंने सुबह इसको यही बात की है, मैंने कहा आप जो है ना अपना दिल लगा के पढ़ाई करो, आप जो चीज कहोगे हम आपको वही लेके देंगे, सिर्फ ये है कि आप पढ़ाई पे दिल लगाओ और पढ़ाई जो है ना करो बस। तो माशाल्लाह से पहला कलमा इसको आ जाता है, और इसके टीचर को मैंने मैसेज करना है कि इसको जो है ना पहला कलमा आता है लेकिन इसको डेली का जो है ना दिया करें मस्जिद का सबक भी। वैसे जाता तो है अपने आंटी के पास, इधर भी जाता है लेकिन उधर भी देते हैं ना सुबह असेंबली में पढ़वाते हैं। फिर इधर कुरान पाक भी पढ़ने जाता है ना, यहाँ पे भी कलमे याद करवाते हैं ना, करवाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, नमाज का तरीका बताती है, और कलमा सबक सारा कुछ इधर बताते हैं। चले जी प्यारे बहन भाइयों, इंशाल्लाह ताला अभी जो है ना हम जा रहे हैं, वीडियो हो रही है लंबी, तो इस वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दो में याद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद, साबिन भाई जिंदाबाद, बाय 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 बाय।